फ्रेंड मैं आ चुका हूँ फाइनली कांटा रोड में, और आप लोग को दिखाता हूँ कांटा रोड का नज़ारा कैसा है। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो, ये सब इधर से कांटा रोड स्टार्ट होते हैं जस्ट, और अभी कांटा रोड तो इधर से स्टार्ट ही हुआ है, और मैं दिखाता हूँ आप लोग को आगे कुछ नज़ारा। तो चलते हैं आगे बढ़ते ब्लॉक में, मैं आपको दिखाता हूँ। सकते हो, और मैं आप लोग को दिखाऊँ इधर तो थोड़ा जारी है, बाकी इसके आगे जो दिख रहा है आप लोग को दिखता होगा तो वो सब समुंदर है। जैसे कि आप लोग ने देखा कि इधर स्लाइड था खेलने वाले बच्चे लोग का, और मैं आ गया उससे आगे और आप लोग को दिखाता हूँ और आगे का नज़ारा कुछ दिखता हूँ, आप लोग मेरे पीछे देख सकते होंगे। मैं आप लोग को आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, अगर आप लोग देख सकते हो ये कुछ समुद्र का नज़ारा। ये सब पूरा जंगल है, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और ये सब पूरा जंगल है। देखो अभी तो ये पूरे प्लेस खाली दिख रहा है, पीछे जो भी दिख रहा है ना वो सब पूरा खाली दिख रहा है, लेकिन शाम के टाइम ऐसे मतलब ऐसे भीड़ रहते हैं ना कि समझो कि ऐसे लगता है कि जैसे कि आपको मेले में आ गए हो, इतना भीड़ रहते हैं ना। अगर शाम के टाइम मैं आता और शूट करता तो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अभी दोपहर के टाइम आया हूँ क्योंकि ये खाली मिले और मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ, इसीलिए मैं दोपहर को आया हूँ। और आप लोग देख सकते हो कांटा रोड का कुछ ऐसे नज़ारा है, ये सब भी पूरा जंगली जंगल है, आई मीन ये सब समुद्र में पड़ता है पर जंगल है ये सब। यहाँ पे बच्चे लोग को खेलने के लिए बहुत ही अच्छा गार्डन भी है, वो मैं आपको अगले क्लिप में दिखाता हूँ। अभी फिलहाल में ये गार्डन बंद है, नहीं तो मैं आप लोग को अंदर से भी दिखा देता कैसे लगते हैं। शायद शाम को खुलते 5 बजे।
सामने डॉग के लिए भी एक गार्डन है, डॉग को खेलने के लिए जो गार्डन होते हैं वो भी गार्डन यहाँ पे है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये डॉग के लिए गार्डन है, खाली डॉग ही इसमें खेलते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हो। वो इस पर डॉग चढ़ते हैं, कुत्ते वगैरह भी है यहाँ से। तो ये खाली डॉग के लिए है। यहाँ पे एक डॉग भी है, यहाँ पे एक डॉग है। जैसे कि आप लोग ने देखा पीछे दो गार्डन था, अभी भी दिख रहा होगा, और अभी आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। इधर ना एक मंदिर भी है, और वो भी मंदिर बहुत अच्छा है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मंदिर कहाँ पे है, और आप लोग चलो उधर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भी वहाँ पे मंदिर है ये साइड में, तो चलते हैं। ये जो रास्ता गए, ये रास्ता मंदिर में जाते हैं। जंगल जो दिख रहा था ये भी है, यहाँ ऐसे देख सकते हो कांटा रोड का कुछ नज़ारा ऐसे दिखता है। आप इधर आकर देखोगे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है इसका। मैं आप लोग ले कर चलता हूँ मंदिर के पास। ये सब झाड़ी है और ये समुंदर, कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है ना। वो जो दिख रहा है आपको वो मंदिर है, और ये सब में भी पानी की वजह से वो हो गया, गाँव में जो बोलते हैं ना कदे वो हो गया। ठंडा ठंडा हवा आ रहा है एकदम। ये जो मंदिर है वो रात को ना पूरा डूब जाते पानी के अंदर। वैसे ये कांटा रोड जैसे कि आपको पीछे दिखता होगा, ये कांटा रोड, और यहाँ पे जो गणपति बप्पा जी की मूर्ति है वो बहुत ही खास माने जाते हैं इधर का। चप्पल पहन के कोई भी अंदर नहीं जाते, जो भी आते दर्शन करने तो चप्पल खोल के ही दर्शन करते गणपति पप्पा जी को। अभी मैं भी अंदर नहीं जा रहा है जूता पहनो, इसीलिए मैं आप लोग को बाहर से ही थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे गणपति पप्पा जी का मूर्ति रखा है और शिव जी का भी मूर्ति रखा है, और यहाँ पे जो नज़ारा है ना, यहाँ पे जो नज़ारा है ना, यकीन मानो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग कांटा रोड में रहते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर कांटा रोड में आप लोग नहीं रहते हो तो फिर कभी आके देखो, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और इधर ठंडा ठंडा हवा बहुत आता है, और समुद्र के किनारे तो बहुत ही अच्छा लगते थे यहाँ का। ये समुंदर किनारा देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, और मैं अंदर जाकर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कांटा रोड ना बांद्रा में पड़ते हैं, अगर आप लोग सांता क्रूज में रहते हो तो इसे आप आ सकते हो, पास में ही है। ये देख रहे हो पानी ही पानी है यहाँ पे हर जगह, मुझे उधर हर जगह पानी ही पानी है, तो उधर से जाना पड़ेगा मुझे। या तो मैं फिर इधर से चले जाऊँ पत्थर पे लात दे देखे, तो मैं इधर से जाऊँगा पत्थर पे लात दे देखे, तो आगे जाके मैं आपसे बात ही करता हूँ। और फिर मेरा पाँव पानी में फिसल गया था। और ये जो झाड़ी दिख रहा है, ये जो पत्थर दिख रहा है ना मेरे वो पीछे, ये सब में ना कपल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं।
और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। कांटा रोड ना एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आके आपको एकदम से ऐसा फील होगा ना कि हाँ कि भाई कि लगेगा आपको कि हाँ भाई अच्छा जगह है। और यहाँ पे आके मन शांत हो जाते हैं अंदर से, इतना अच्छा हवा आता है ना यहाँ पे कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। कभी आप लोग आओ और फिर मुझे बताओ, कमेंट करो मेरे वीडियो में कि हाँ कांटा रोड अच्छी जगह है कि नहीं। अगर आप लोग खार डांडा या बांद्रा में रहते तो पक्का आप लोग तो मतलब आप लोग तो 100% कांटा रोड आए होंगे और आप लोगों को तो पता ही होगा कि कांटा रोड में कितना अच्छा हवा आता है और इधर का नज़ारा कितना अच्छा है। मैं आप लोगों की तरफ इसके लिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है ना वो मेरे जूता इस पर स्लिप कर रहा है, इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ रहा है। अगर आप लोग ये पत्थर में गौर करोगे तो वो देख रहे हैं वाइट वाइट सा जो है ना, वो ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब धार होते हैं। अगर गिर गए ना तो पक्का कट ही जाएगा हाथ या पाँव, अगर गिरे इस पर तो पक्का कट जाता है, इतना धार रहता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। हालांकि मैं अभी अंदर आ चुका हूँ तो मैं अपना मास्क निकाल लेता हूँ। हाँ बहुत टाइम से मास्क लगाया हुआ था। और यहाँ पे जो देखो ये जो पत्थर है ना ऊपर नीचे ये सब में कपल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ और इधर से नज़ारा कैसे दिखते हैं। वाओ वंडरफुल, मैं जो आया हूँ ना अभी कोई नहीं दिख रहा। हाँ हालांकि है एक आध है पीछे मुझे दिखा था, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी दोपहर है, अभी 2 बज रहे करीब और मैं जल्दी आया था इसलिए कि मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ और आप लोग को दिखा सकूँ कांटा रोड कैसे दिखते हैं इधर से। तो बस इसीलिए मैं जल्दी आ गया, नहीं तो मैं शाम को आता तो बहुत ही ज़्यादा गर्दी होता है इधर, मतलब इतना जैसा रश होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं इधर शाम के टाइम, ऐसे मेले की तरफ भरे रहते हैं इधर। इसके अंदर भी बहुत पब्लिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रहते हैं। अभी तो फ़िलहाल खाली है क्योंकि दोपहर है। और इसके बाजू में एक कॉलेज भी है, रिजवी कॉलेज, जस्ट टाटा रोड के साइड में ही है। तो कपल मतलब जो स्कूल कॉलेज से छूटते बच्चे लोग वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अभी कॉलेज चालू है बंद है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आते हैं उन लोग भी, तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रहते हैं इधर। इसीलिए मैं जल्दी आके शूट कर लिया और बस यही था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार और कांटा रोड का नज़ारा कैसे लगते हैं। ये जो पीछे दिख रहा है आप लोग को पूरा समुंदर ही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पूरा समुंदर है। और इधर का भी नज़ारा कुछ दिखाई देता हूँ आप लोग, ऐसे कुछ दिखते हैं। दिख रहे आप लोग को वहाँ पे बड़े बड़े से पत्थर मेरे उंगली के ऊपर, वहाँ तक पानी भर जाता है वहाँ तक। मैं तो फिर भी अभी तो बहुत अंदर आ गया हूँ। ये जो मंदिर मैं आपको दिखाया था वो पीछे झंडा लगा है, वो मंदिर सब पूरा डूब जाते हैं, झंडा भी आधा से ज़्यादा डूब जाता है, थोड़ा ही झंडा दिखता रहता है, इतना पानी रे भर जाता है रात को। अभी तो फिलहाल मैं अंदर चला गया पानी अभी, और अभी नहीं तो रात में वहाँ तक पानी रहते हुए मुझे दिख रहा है ना बड़े बड़े पत्थर पीछे वहाँ तक रहता पानी। इधर से अभी आ गया हूँ बाहर और अभी बाहर का नज़ारा कुछ आप लोग को दिखा देते हैं। कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, आगे भी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आगे इसके आगे एक स्टेज, इसके आगे एक स्टेज है, वो स्टेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए भी दिखाते हैं कर लो, धो गया
जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, वो सब जो भी है जो कपड़ा धो के सुखाते हैं इधर, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेज। तो वो स्टेज रहा जो पीछे दिख रहा है, वहाँ पे कुछ वो स्टेज है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होते तो नहीं पे होते हैं। हालांकि ये भी एक गार्डन ही है, पार्क जैसे बना है, इधर काटागढ़ में ही है, बहुत साफ सुथरा है, और वो भी देख ही लीजिए आप। ये भी ये सब पीछे दिख रहा है, ये भी गार्डन है। सही तो मैं अंदर ही चल के दिखा देता हूँ आप लोग को। कुछ इस तरीके के है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। आगे पुलिस चौकी है और कांटा रोड, कांटा रोड का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे हमने देखा देर से। कैसा लगा ये कांटा रोड कमेंट करके बताओ। बस ख़त्म करते अपना वीडियो इधर ही, और इससे आगे है नहीं कुछ दिखाने वाला जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो जैसे कि आपको मैं स्टेज को बिल्कुल पास से दिखाई देता हूँ, देखो स्टेज। बस इतना ही था आज का इस वीडियो में, मिलता हूँ कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो करते ख़त्म अपना वीडियो को यहीं से, तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।